미국 작전 끝나기 좀 엉큼해 Because you take me 이게 survive 난ยังไงไม่พบเธอรู้มีใครสักคนไหนคิดถึงมันก็ดีรู้ว่ามีความรักมันก็ดีต่อไปड्रामा की शुरुआत एक लड़की से होती है जो कि एक आलिशान होटल आती है और उसके बाद हमें थित को दिखाया जाता है जो कि बड़े मजे से था। तभी वहाँ ढेर सारे बॉल गिरने लगते हैं और थित बॉल उठा के कुछ बच्चों को पास करता है और तभी वो और बॉल्स भी उठाने वाला था कि वो जो लड़की जिसे हमने पहले देखा था वो बॉल्स उठा रही थी और उन दोनों के हाथ एक दूसरे से टच हो जाते हैं और थित उसे देख कर उसे अपना दिल दे बैठता है और वो भी स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। वो यहाँ से चली तो गई थी बट एक चीज़ देना तो भूली गई थी जो कि था थित का दिल और थित पूरे होटल में उसे ढूंढने लगता है बट उसे वो कहीं भी नहीं मिलती तो वो थक हार के बैठ जाता है। फिर उसे वो एक जगह बैठे हुए दिखती है और उसके इमोशन हमें साफ दिखाई देने लग जाते हैं और थित उसके पीछे खड़ा हो जाता है और उसका फेसबुक छुप के देख लेता है और सर्च करता है और उसके सामने जाकर बैठ जाता है और वो भी उसे देख लेती है और अब इशारों में थित उसे बोलता है वो उस पर लट्टू हो गया है। वो भी शर्माने लगती है, वो उसके पास आ जाता है और वो उसे खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है। वो बताती है कि वो लक है। लक बोलती है तुम्हें कैसे पता कि मैं कौन हूँ। थित बोलता है मैं तुम्हें देख तुम्हारे पीछे आ गया और तुम्हारा छिप के फेसबुक आईडी भी देख लिया, तुम्हें रिक्वेस्ट भेज दिया, एक्सेप्ट कर लो प्लीज़। और वो पूछता है क्या मैं क्रीपी हूँ। लक बोलती है कि बहुत ही ज़्यादा। थित बोलता है ये अजीब हो गया ना। और वो फिर से यहाँ से वापस जाके और फिर से यहाँ आके उसे खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है बट बहुत ही शांत होकर, जो कि लक को देखकर हंसी आ रही थी और वो उसे अच्छी दोस्त बनने को बोलता है। लक इससे शर्मा रही थी। थित उससे वादा करता है कि वो उसे कभी भी कोई गंदी फ़ोटो नहीं भेजेगा। अब लक जाने लगती है क्योंकि उसका कार आ गया था तो थित उसकी मदद करने लगता है जिससे उन दोनों की नज़र एक दूसरे के आर पार होती है। अब थित लक को कार में छोड़ देता है और वो चली जाती है बट अभी भी थित का ध्यान लक से हटने को मान ही नहीं रहा था और अब शायद थित का फ्रेंड रिक्वेस्ट लक ने एक्सेप्ट कर लिया था। वो नाचने लगता है, झूमने लगता है और घूमने लगता है और तभी उसे किसी का कॉल आता है जो कि उसे अपने पास बुला रहा था। और अब मॉन को हम देखते हैं जहाँ पे काफ़ी सारी एसेसरीज होती है जिसे वो वेयर कर रही थी। देन हम वी को देखते हैं जो कि वाटर ड्राइविंग कर रहा था और वहाँ थित भी था जो कि उसके साथ वाटर ड्राइविंग करने लगता है। इधर लक घर आती है जिसके मॉम डैड उसे आकर सुनाने लगते हैं क्योंकि वो महंगे कपड़े पहनकर बाहर गई थी जबकि वो आम सी एक सर्वेंट है। यानी कि गाइज ये सभी ही सर्वेंट फैमिली है। लक बोलती है उसने ऐसे ड्रेस मून से लिया क्योंकि उसे भी अच्छा लगता है ये सब पहनना। उसका भाई अपनी माँ को छुपाने लगता है बट उसकी माँ अपने बेटे पे ही भड़क उठती है कि तू इसका ड्राइवर बना था। तो डैड बोलते हैं अरे चुप हो जाओ वरना पकड़े जाएंगे। तो मॉम सबको ही पीटने लग जाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और इधर वी और थित चील की निगाह से भी ज़्यादा तेज थे और उनका ये ड्राइविंग खत्म होता है जहाँ दोनों पानी से बाहर आते हैं। वी थित को लड़की का नाम लेकर उल्लू बना के उसे पानी में गिरा देता है और हंसने लगता है। थित उसे मदद मांगता है और जैसे वो उसकी मदद करने को जाता है थित उसे पानी में खींच लेता है और दोनों की प्यारी सी फाइट चालू हो जाती है। बाथरूम में बातों में थित वी को ज्यादा ही बोलने लग जाता है जिससे वी बोलता है वो उसे उसके जॉब से फायर कर देगा। तो थित उसको मस्का लगाने लगता है कि मेरी माँ तेरे लिए खाना बनाती है, हमें तेरी कितनी फिक्र है ना मेरे भाई। और अब थित वी को जूते पहना रहा था, कोट पहना रहा था क्योंकि वी कोई इवेंट पे जा रहा था। वी पूछता है वो उसका कॉल क्यों नहीं उठाता है। थित बोलता है क्योंकि वो बिजी रहता है अपने बच्चों की होने वाली माँ से बात करने में। वी उसके बारे में पूछता है। अब हम लक को देखते हैं जो कि चुपके से निकल रही थी और तभी उसे एक लेडी पुकारती है जो कि उसे उसका काम पूरा करने को बोल रही थी। लेकिन लक अच्छे से चेक करती है तो समझती है कि ये तो बस नींद में बड़बड़ कर रही है। और अब लक आकर मॉन के वार्डरोब में उसकी ड्रेस और एसेसरीज रख देती है और खुद को शीशे में निहारने लगती है। इधर थित वी को बताता है वो उसकी फेसबुक फ्रेंड है। वी बोलता है कि वो तो उसे फंसा रहा है अमीर दिखा के। थित बोलता है कि कुछ नहीं होता, आजकल सभी लुक्स के ही पीछे होते हैं, अगर अपीयरेंस आ गए तो दुनिया है तुम्हारे पीछे। वी उसी इवेंट में पहुंचता है और कार से उतरते ही थित को इधर उधर कार उड़ाने से साफ मना करता है। थित बोलता है ऐसा हो सकता है कि मेरा भाई ये करने को मेरे को मना करे और मैं यही काम करूँ। बिल्कुल नहीं, आप फिक्र मत करो, आप बेफिक्र होकर जाओ। और वो कार से चला जाता है और उसके जाते ही थित तुरंत कार लेकर फुर हो जाता है। वी अंदर आता है, सभी उसे घूर रहे थे। वहाँ उसे डॉक्टर मिलता है जिसे उनकी बिजनेस को लेकर बातें होती है। वी पूछता है, तुम्हारी अभी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी? डॉक्टर बोलता है कि अभी कहाँ, और लड़कियाँ इनके बारे में ही बातें कर रही थी। और अब लक थित को मौन के बाथरूम का फोटो क्लिक करके देती है, जो कि थित देख बोलता है, अरे इसका जितना बड़ा बाथरूम है मेरा तो उतना बड़ा बेडरूम भी नहीं। थित को कार पे एक एनवलप मिलता है और सूट भी, और वो इवेंट के अंदर आ जाता है सूट पहन के, और आते ही नाचने लगता है और सबको ये हाय हेलो करने लगता है, ड्रिंक करने लगता है। बट वी को देखते ही वो छिपने लगता है। वी मौन को देखता है और बोलता है, ये मेरे टाइप की है। बट डॉक्टर उसे दूसरी लड़की से सेट कर रहा था, बट वी को नहीं होना था। डॉक्टर बोलता है, ये मौन है जो कि मेरी टाइप की तो नहीं है। वी इसकी वजह पूछता है, बट वो उसे ये बोल चला जाता है कि वो उससे नफरत करता है। और वी का ध्यान अभी भी मौन में ही था। वी डांस के लिए एक लेडी से पूछता है, वो मान जाती है। वो डांस तो कर रहा था पर उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ मौन में ही लगा हुआ था। एंड देन मौन भी उसे देख लेती है और दोनों आमने सामने हो जाते हैं, और तभी लाइट चली जाती है। और इसका फ़ायदा उठाते हुए वी मौन से बातें आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, बट तभी मौन का पार्टनर उसे वहां से लेकर चला जाता है और लाइट भी आ जाती है। और मौन का पार्टनर उसे बाहर लेकर आता है और अपने साथ चलने को बोलता है, जिससे उसका दिन बन जाएगा। बट वो मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। और एक लड़की आकर मौन को उसका क्लच ला के देती है, जो कि उसने अंदर ही रख दी थी। और अब वी फिर से मौन को देखता है और उसे मौन का ब्रेसलेट मिलता है। इधर थित किसी ए नाम के शख्स से उसकी पार्टनर चेरी को बोरो करता है डांस के लिए। चेरी बोलती है, वो तो बहुत ही अच्छा डांस करता है। गाइज, आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। और थित भी अपनी बड़ाइयाँ हाँकने लगता है कि वो अमेरिका में ऐसे कैजुअल डांस करता था, उसे ऐसे पार्टीज में अक्सर इन्विटेशन मिलती रहती थी। और थित डॉक्टर को देख लेता है और छिपने लगता है, बट डॉक्टर उसे देख ही लेता है। थित डॉक्टर को वे को बताने से मना करता है, क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो वो डांट के उसे मार डालेगा। और वो वहाँ एक ही वजह से आया है, क्योंकि वो काफ़ी बोर हो रहा था और वो वहाँ से भाग लेता है। तब तक वी ने उसे देख लिया था, वो भागने लगता है। चेरी थित को रोक रही थी, लेकिन थित बोलता है कि माफ़ करना, मुझे अमेरिका का काम निपटाना है। और तभी वहाँ विथ और डॉक्टर आकर उसे वहाँ से लेकर जाते हैं और दोनों मिलकर थित को कैंडल की आंख में जलाने लगते हैं। वी बोलता है कि वो यहाँ क्यों आया था और ये सूट भी उसी का है। थित बोलता है, मैं बोर हो गया था और मैं भूखा भी था, और अलग अलग बातें बोलने लगता है। वी बोलता है कि सब्जेक्ट चेंज मत करो। वी बोलता है, याद है ना बचपन में तुमने कैसे क्या क्या यहाँ किया था, फिर भी मुंह उठाकर आ गए। थित बोलता है, क्या करूँ, खाने के बारे में सोचकर रुका नहीं गया। और वहाँ से वो चला जाता है। इधर लक अभी भी बस इधर उधर घूम के फोटो निकाल रही थी, तभी वहाँ वही लेडी आती है जो कि नींद में बड़बड़ करती है। उनका नाम तोई होता है। वो लक को वहाँ से भगाती है और उसे रोकते हुए पूछती है, तुमने अपने कानों में क्या लटकाया हुआ है? वो मना करने लगती है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, बट तोई उसके पीछे पड़ गई थी और वो अपना कान लेकर भागने लगती है। और तोई उसके पीछे भागने लगती है और लक बाथरूम के अंदर आकर अपना ईयरिंग खोल लेती है। और तोई भी कम नहीं थी, वो अपनी स्पेयर किसे बाथरूम खोल लेती है और लक बाथटब में गिर जाती है। तो ही उसे कानों में रिंग ना देख उसे जल्द ही वहां से निकलने को बोलती है। उसके जाते ही लक टब से वो ईयरिंग निकालती है। और अब मौन भी घर आ गई थी। वो तोई से लक के बारे में पूछती है। तोई बोलती है, वो उसके टब में गिर गई थी, चेंज करने गई है, वो बस परेशानी ही पैदा करती रहती है। तभी वहाँ लक आ जाती है तो तोई बोलने लगती है, ये दिन भर हंसती रहती है, शायद कोई लड़के से बात करती है। और वहाँ खड़ी एक सर्वेंट गॉगिक बोलती है, ये अच्छे से काम नहीं करती। मौन पूछती है कि क्या ये सच है, और वो तोई और गॉगिक को आराम करने जाने को बोल लक को अपने साथ चलने को बोलती है। ये दोनों सोचती हैं ये तो गई काम से। इधर थित वी को पानी लाकर देता है, लेकिन तब भी वी उसे सुना ही रहा था। तभी वहाँ थित की माँ आती है जो कि वी को अच्छे से खाने को बोलती है और शावर लेने को बोलती है। तो वी थित से अपना सूट लेकर चला जाता है और थित अपनी माँ को बायस्ट बोलने लगता है और उसे कोरियन हैंडसम बॉय की तरह बोलकर भाग जाता है। लक मौन से माफी मांग रही थी। मौन पूछती है, क्यों भला? लक बोलती है, उन दोनों ने आपको मेरे लेकर जो भड़काया। मौन बोलती है कि अरे नहीं, वो दोनों यहाँ बहुत दिन से काम कर रहे हैं तो ऐसा करना बहुत ही नॉर्मल है, उन पे ध्यान मत दो। लक पूछती है, उनकी पार्टी कैसी गई? मौन बोलती है, बोरिंग थी। लक बोलती है, मैंने तो इंस्टा में देखा है कि वहाँ सेलिब्रिटीज जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार होता है। तो मौन बोलती है, मतलब तो ये सही बोल रही थी, दिन भर चैट करती रहती हो, है ना। लक बोलती है नहीं वो तो बस दोस्त है। तो मॉन पूछती है कि क्या वो कोरियन ड्रामा के एक्ट्रेस की तरह हैंडसम है या फिर नहीं, और वो उसे लोगों में जल्द ही बिलीव करने से मना करती है और उसे बताती है कि उसने पार्टी में अपनी ब्रेसलेट गुमा दी और अब हम वी के हाथों में वही ब्रेसलेट देखते हैं। और उसके ख्यालों में तो सिर्फ मॉन घूम रही थी, लेकिन मॉन तो अपने घर में घूम रही थी और इधर थित भी लक के फोटो में खोया हुआ था। और वहाँ उसकी माम आके उसे आज के कांड की वजह से उस पर चिल्ला रही थी, बट वो उन्हें मनाने लगता है और वो थित को शावर लेने को बोल चली जाती है। और थित अगेन लक के ख्यालों में चला जाता है और इस बार तो वो इस ख्याल में था कि उसकी और लक की शादी हो रही थी। और जैसे वो लक को किस करने जाता है तो लक के शक्ल में तो थित की माँ जाती है जो बोलती है नहाया क्यों नहीं है अभी तक। देन वो अपने ख्यालों से उठता है और उसकी माँ उसे धमका के चली जाती है। वो नहाने जा ही रहा था कि वो लट्टू की तरह फिर से लक से बातें करने में लग जाता है और लक को कल मिलने के लिए बोलता है। वी सुबह सुबह सच धज के मॉन के ब्रेसलेट को निहारने लगता है। सभी ब्रेकफास्ट करने बैठे थे। वी की मॉम थित से वी के रिलेशनशिप लाइफ के बारे में पूछती है। थित बोलता है कोई सुधार नहीं है। तभी वी के डैड आकर बोलते हैं हमारा बेटा गे है तुम्हें पता नहीं है। और वो थित को बोलते हैं तुम इतनी लड़कियों को घुमाते हो, जरा मेरे बेटे की भी एक गर्लफ्रेंड बना दो। मॉम बोलती है उन्हें ये पसंद नहीं की वो किसी को अपनी मर्जी से चुने। और वो थित को बोलती है अगर वो उस पर नजर रखे और वो उसे बताए की वो किस लड़की के तो वो उसे स्पेशल बोनस देगी। और थित तो ठहरा ही दोगला, वो तुरंत मान जाता है। और वहाँ वी आती है और थित उसे मैनिपुलेटिव बातें करने लगता है। वी बोलता है कि उसने कुछ बोनस के बारे में सुना था, बट थित बातों को घुमा देता है। मॉम उससे पूछती है क्या उसकी गर्लफ्रेंड है, तो वी बोलता है कि हाँ है बट हमारा ब्रेकअप हो गया। मॉम बोलती है तो वो किसी को ढूंढता क्यों नहीं। वी बोलता है बट मॉम आप ये मुझसे क्यों पूछ रही हो। तो डैड बोलते हैं तुम जो ये सब करती हो ये करने से पहले अपने बेटे से पूछती हो। और दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है तो वी उनको लड़ने से मना करता है। तो डैड वी के माँ को किस करके चले जाते हैं और वी भी उनके हाथों में किस करके चला जाता है। मॉम बोलती है वो तो गिव अप नहीं करेगी और अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ कर ही रहेगी। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। वेल गाइस, आप सभी को ये ड्रामा कितना इंटरेस्टिंग लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। There was a time when you had me falling to the ground.